हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ घरेलू उपचार में। दोस्तों, दूध का पीना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, नियासिन, फास्फोरस, पोटेशियम और इसके अलावा बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। इसलिए दूध का पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप दूध के साथ या दूध पीने के बाद सेवन करेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोस्तों जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो दूध पीने के साथ या दूध पीने के बाद नहीं खानी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही जो पास में घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दूध के साथ या दूध पीने के बाद किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, दोस्तों दूध के साथ या दूध पीने के बाद प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे शरीर में दाद, खाज, खुजली हो सकती है। दोस्तों, दूध के साथ या दूध पीने के बाद कभी भी नींबू, दही व खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध की तासीर गर्म होती है। इसके एक साथ सेवन करने से पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। करेले और नमक का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है और नमक में आयोडीन, दोनों एक साथ लीवर पर अटैक करते हैं जिससे लीवर डैमेज हो सकता है। दोस्तों, मांस मछली खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। दूध के साथ मूंग, उड़द, चने की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि किसी खाद्य पदार्थ में मूली का प्रयोग किया गया है तो इसके तुरंत बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से दूध वेसाला हो जाता है जिससे सफ़ेद दाद होने की समस्या रहती है। तो फ्रेंड, जब भी आप दूध पिए तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।